लोकसभा निर्वाचन एवं कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उत्तराखंड के गृह सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाए रखने को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड के गृह सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मीटिंग में पुलिस उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आगामी लोकसभा निर्वाचन में एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों से गृह सचिव को अवगत कराया। प्रस्तुतिकरण में लोकसभा निर्वाचन से संबंधित अब तक की पुलिस कार्रवाई तथा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का चिन्हीकरण, पुलिस बल की आवश्यकता का आकलन, सीमावर्ती राज्यों से की गई बैठक समन्वय हेतु सभी स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, एसएसटी एवं एफएसटी द्वारा की गई कार्रवाई आदि पर प्रकाश डाला गया। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि उत्तराखंड शासन और पुलिस विभाग एक टीम के रूप में कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। आगामी लोकसभा निर्वाचन, मां पूर्णागिरी मेले, वैसाखी मेला, स्नान पर्व, चार धाम यात्रा सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को सकुशल संपन्न कराने की चुनौती रहेगी और उत्तराखंड पुलिस इस चुनौती से प्रभावी रूप से निपटेगी। गृह सचिव दिलीप जावलकर ने आदर्श आचार संहिता की एसओपी का गहनता से अवलोकन कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने पर जोर दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।